मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं फंडामेंटल। कैसे हैं सब लोग? और लॉकडाउन चल रहा है यार, क्या सीजन चल रहा है। बहुत से लोग जो हैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, उस पर बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और जो है गाने भी बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, अपनी जो है कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डिफरेंट खानों की वीडियोज बना रहे हैं। तो इसी तरह आज हम देखेंगे वीडियो जो है वो है पाकिस्तानी व्लॉगर है ज़ैद अली की। तो इनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं और अभी उन्होंने रिसेंटली जो है अवार्ड भी जीता था, पिज़्ज़ा अवार्ड में एंडोर्स करी मतलब उसको ज़ैद अली को। वेल तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो जरूरी था ना। तो ज़ैद अली जो है आज हम उनकी एक वीडियो देखेंगे जो कि लॉकडाउन पे बेस्ड है और वो रिलेटेबल भी बहुत होगी, मतलब आप लोग भी उसे रिलेट कर सकेंगे कि वाकई ही ऐसे है, क्योंकि कहानी घर घर की है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, ब्राउन पेरेंट्स आर सेम। सो देखते हैं कि क्या हो रहा है। पापा? हाँ बेटा। पापा ये हैंड सैनिटाइजर खत्म हो गया है, बस इतनी सी बात है। दिखाओ जरा, अभी फ्रेश पीस ला के देता हूँ। दिखाओ दिखाओ। ये लो बेटा फ्रेश पीस। पापा इससे तो कोई जर्म्स नहीं मरेंगे। अबे बगैरत, वैसे भी हैंड सैनिटाइजर सिर्फ 99.9% जर्म्स को मारता है, ये वाला तो 95% तक को मार ही। खातीनो हजरा, कोरोना वायरस का क्योर मिल चुका है। हमारी मेडिकल रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर कोरोना आपको कहीं भी नजर आए तो आपने कोरोना को आंखों में देख के कहना है कोरोना गो गो कोरोना। ज़ैद बेटा जल्दी आओ। जी पापा। ये देखो बेटा कोरोना वायरस का क्योर मिल गया है और अब हम आपको इसका एक डेमो दिखाएंगे। मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कोरोना वायरस? बेटा व्हाट्सएप ने मुझे इस मोमेंट के लिए तैयार रखा था, मैं भी आई। बेटा काली दवाई, मुंह खोलो। कलौंजी की दवाई है बेटा, मुंह खोलो। आ आ आ आ, 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 आ खाओ खाओ जल्दी खाओ। धनी और गार्ले का सूप गरम पीना बेटा, गरम पीना। क्योंकि गरम है यार इतना। चलो मुंह खोलो, गरारे करो, गो हो जाओ बेटा। कोरोना वायरस लग गया साले कमीने, सबको मारेगा घर में। मामा आओ बेटा, चलो बेटा, आओ। 15 दिन तक तूने इस कमरे से बाहर नहीं निकला, सेल्फ क्वारंटाइन लॉकडाउन। मम्मा बात तो सुन ले, केक रस फंसा था यार। कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्टॉक्स में काफी गिर चुके हैं। आई वॉन्ट ऑल द एम्प्लॉइज टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है? आप लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे अभी। आई वॉन्ट द Q7 लिस्ट बाय टुमारो नाइट, ठीक है? सारे एम्प्लॉइज को एक बात समझ आना चाहिए, ठीक है? विद दैट नोट, आप लोग का ये होमवर्क है, आई विल सी यू गाइस टुमारो। ओके सर। Finally call. Hey, sit back down right now. I don't want to see any employees wear underwear. This is a very professional business. Sorry, sir. Chalo, I will find you on the spot next time if I see anyone. Get off. Bushra, khana bana do. Ji, roti bana rahi hu. Chalo, theek. ये घर में अपने आप को इतना कवर क्यों किया हुआ तुमने? ये तो मैंने वो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ना, इसकी वजह से ये मैंने अपना सेफ्टी मास्क बनाया। बच्चों वाली बातें ना करो बुशरा, उतारो इसे। नहीं मैं उतार नहीं सकती, आप समझा करें ना जरा। बुशरा मैंने फिर से नहीं कहना, उतारो इसे। ये मास्क मेरा और आपके दोनों की सेफ्टी के लिए है, समझा करें। बुशरा ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उतारो। खुश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
पाजी वैसे मैंने अभी अभी सुना है शकोफ्ता को जो है ना खांसियां लगी हुई है, मुझे तो लगता है उसको कोरोना वायरस हो गया। मुझे तो शुरू से ही पता था, मैंने भी यही सुना था। अबे साली मैं भी इस कॉल में हूँ, कोरोना वायरस मुझे नहीं हुआ, साली कमीनी कोरोना वायरस तेरे पूरे खानदान को हुआ है। सॉरी वैसे बाजी कल मैंने बुशरा को देखा था, ट्रॉली में इतना टॉयलेट पेपर भरा हुआ था, इतना टॉयलेट पेपर भरा हुआ था, लगता है इसका खानदान टॉयलेट पेपर यूज नहीं करता बल्कि खाता है। मुझे तो लगता है इतना टॉयलेट पेपर अपनी कब्र में लेके जाएगी ये। बाजी मेरा हस्बैंड तो सारा दिन कहता है चाय बना दो चाय बना दो चाय बना दो, मोटे का पेट फट जाना है चाय पी पी के। मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है चाय में जहर ही डाल दूं एक बार। मैं भी यही कहने वाली थी। ऐसे जो फायदा है ना, इसने क्वारंटाइन में पूरे 100 पाउंड गेन कर लिया, सारा दिन खाती रहती है खाती रहती है। गलत बात है, किसी के वेट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बाजी, ये गलत हौसला रखो। अबे तू तो चुप कर, अबे तेरी माँ यार लगता है सारी पागल हो गई। Alright guys, that brings us to the end of the video. Thank you so much for watching. My main goal for making this video was to try to give you some happiness during these hard times. I know ki bahut mushkil waqt chal rahe hain, to agar aapko is video se koi bhi khushi mili hai, make sure to give it a big big thumbs up. And my only request from you guys is that please subscribe to the channel. The button should be right here. Kasam se sirf 1 second lagta hai, aapka zyada time bhi nahi lagega, sirf 1 second lagega. Isko jaldi se dabaye, it's right here. Kal liye subscribe. Thank you so much guys, and I hope you and your families are keeping safe, and I will see you guys with another video another time. Take care. मजा आया मुझे सबसे ज्यादा यार, वो मजा आया जो है ना गर्ल्स वाला, वो जो वो हातिम ताई की जो मूवी थी ना जिसमें वो थे जितेंद्र थे, तो उसमें भी वो एक ये भी मीम काफी उस पर चल रहा था फेसबुक वगैरह पे, वीडियो चल रही थी क्लिप के गर्ल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, उसको कहते हैं कि अपना चेहरा दिखाओ और वो अंदर से वो निकलती है, तो ऐसे हो रहा है। वैसे क्या गर्ल्स आपके साथ बाकी ऐसे हो रहा है? वैसे मैं भी फॉलोअर नहीं डाली, बल्कि मैं तो जो है लॉकडाउन से काफी पहले की नहीं फॉलोअर डाली हूँ, बट फॉर्चुनेटली कि मुझे कोई ऐसा हाथ उसे नहीं ना फील हो रहा। उसके अलावा आंटियों की गॉसिप और वो जो व्हाट्सएप पे ढेर सारे मतलब हर वक्त अपडेट रहना, और जो है घर पे सैनिटाइजर कैसे बनाना है, जी नींबू डालना है, पानी डालना है, एलोवेरा डालना है, और उसमें जो है ग्लिसरीन डालनी है, पूरी तरकीब करके रेसिपी मेरे डैडी तो ले भी आए थे। और उसके अलावा जो है मेरी अम्मी, यू वोंट बिलीव कि मेरी जो अम्मी है कोरोना वायरस में, तो हमें घर में भी जो है हमें मास्क पहनने का कहती हैं, और उन्होंने जब से लॉकडाउन चल रहा है और जब से कोरोना का आया कि आपने मास्क पहनना है, वो रात को सोते वक्त भी उन्होंने मास्क पहना होता है, शी इज सो प्रोटेक्टेड। और इसके अलावा मतलब छींक आना तो ऐसे हो गया जैसे गुनाह एक कबीरा हो गया ना, मतलब पहले तो आती थी छींक तो सब कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब किसी को छींक आए ना तो सब कहते हैं दूर जाके बैठो तुम्हें, मतलब क्या हो गया। पहले किसी को नजर जुकाम में होता था इस तरह फूल तो लोग कहते थे वो खांसी आ गई, अब तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम में गई थी ऐसे गेस्ट, तो मैं वहां पे मुझे हल्की सी वैसी खांसी हो रही थी ना मतलब गला खुश्क होने की वजह से, तो वहां पे वो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे भी जरा अगर मैं यूं करके भी खांसी ले ली ना तो वो गुनाह बन जाएगा, तो वो बड़ा मतलब कोरोना जो है ना हमें मतलब एंटरटेन भी यार इसने बहुत किया है, इसने बहुत कुछ सिखाया भी है, घर पे रहना, पॉजिटिव रहना, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करना, सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में सोचना, बहुत सी तब्दीलियाँ पॉजिटिव भी आई हैं, जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, और बहुत से जो लोग जो सफर किए हैं इससे बीमार हुए वो तो हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो है क्योंकि हर चीज़ के दो रुख होते हैं, दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है बुराई भी तस्वीर की, तो इसका एक पहलू तो बहुत ही बुरा, दूसरा बहुत जो है हम लोग बार बार सफाई रखना, जूते वगैरह घर से मतलब उनको जो है किस तरह उतारना है, कपड़े अगर हम घर से क्योंकि बाहर अगर हम नॉर्मल देखें हमें नॉर्मल रूटीन में भी घर वाले कपड़े उसमें बाहर से भी जाते साथ ही सबसे पहले मुँह हाथ धोना चाहिए कपड़े लेना से रख के, और उनको फ़ौरन से वॉश कर देना चाहिए, और ये सब चीज़ें और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने सीखी हैं, और के पेशेंटली कैसे घर पे बैठने वक्त गुजारा जा सकता है, तो बहुत सी ऐसी नामुमकिनात जो पहले सोचते थे कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो सब अभी हमने जो इस दौरान वो भी होते हुए हैं, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव इसमें से चीज़ें निकालें और पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करते जाइएगा क्योंकि ये भी सब क्या जारी है ये कट कर देना, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करते जाइएगा क्योंकि पॉजिटिव रहना, सो प्लीज आई एम
वेरी पॉजिटिव वेरी होपफुल कि आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो नए आए हैं जो पुराने हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे और जो है हमारे साथ रहेंगे और इंजॉय करेंगे। सो गाइस देखते हैं फंडामेंटल, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।